The treatment portion as suggested or directed by Dr. Radhesh Shyam Saini in this video can only be practiced by a registered veterinary practitioner. Non-registered practitioners are not supposed to do that, otherwise they will only be responsible for any kind of issue. दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका बारंबार स्वागत है। ये देखिए भैंस बैठी हुई है और गोबर इसके पीछे पड़ा हुआ, देखिए थोड़ा सा बस, ये कोई चार पाँच दिन से इतना सा गोबर किया है इसने। ये इसकी हिस्ट्री है कि पाँच सात दिन हो गए इसको गोबर नहीं कर रही है, मुंह फाड़ फाड़ के इसे सांस ले रही है। देखिए जी बाहर निकला हुआ, मुंह फाड़ रही है, मुंह फाड़ के सांस ले रही है। तो ये टॉक्सीमिया के सिम्टम्स हैं। बॉडी में जब टॉक्सीमिया होता है यानी विषैले पदार्थ जो टॉक्सिन्स होते हैं अगर वो ब्लड में चले जाएँ तो देट इज़ कॉल्ड एज टॉक्सीमिया। तो इसको खड़ी कर दिया, ये देखो बोरा भरा हुआ, ये कट्टा भरा हुआ, इसमें इतनी सारी बोतलें दवाइयाँ इंजेक्शंस ऑरली इंजेक्टेबल सब चीज़ इसमें पड़ा हुआ। देखिए जामुन सिरका DNS और जितने प्रकार के परगेटिव्स हैं ये भी इसको दिए हुए हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट का एक कट्टा है खाली, इसमें भरा हुआ है भाई साहब। ये देखिए हम भैंस को चला के हम ला रहे हैं इसका इलाज करने के लिए। तो ये कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है जिसमें जिसको हम गोबर बंद होना भी बोलते हैं, भाई बंद लग गया इसको। तो इसको पाँच सात दिन से आ नहीं रहा, बस जरा सा भी गोबर जो पीछे पड़ा हुआ था उतना सा किया पाँच सात दिन में। तो हमने इसको ऐसे राइट लेटरल रिकम्बेंसी में डाल के पटक के इसको फ्लूड थेरेपी देंगे। और इस तरह के केस में दोस्तों हमेशा टेम्परेचर में हम ले रहे हैं, हालांकि टेम्परेचर इसका ठीक ही आना चाहिए। ये देखिए टेम्परेचर, ये देखिए टेम्परेचर आ रहा है, एकदम बुखार आ रहा है। नॉर्मली हमें लग रहा था नॉर्मल आना चाहिए लेकिन नहीं दोस्तों, भैंस में 99 से 101 होता है नॉर्मल, लेकिन 103.7 कुछ आया। तो फीवर भी है तो हम एंटीपायरेटिक भी लगाएंगे। आँख भी देख रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन तो ठीक है। तो दोस्तों ऐसी औषधियाँ जो ज्वर नाशक होती हैं, शरीर से तापमान को कम करती हैं या बुखार उतारती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में फ्लूनिक्सिन, मेग्लोमाइन, टोलफिनेमिक एसिड, मेलोक्सिकेम, पैरासिटामोल ये सब आते हैं। तो उनमें से देखते हैं हम क्या लगाएंगे। ये जुगुलर वेन को हम पालपेट करते हुए इसको गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करवा के ताकि जुगुलर वेन थोड़ा उभर कर सामने आ जाए और आराम से हम इस जुगुलर वेन में इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा सकें। दोस्तों बफेलो में, गाय में, घोड़े में इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने की या यूं कहें ब्लड सैंपल लेने की भी जो साइट है वो जुगुलर वेन है या जुगुलर फरो के पास में यह पाई जाती है, ईसोफेगस के समानांतर। ये देखिए हम टबिंग कर रहे हैं इसकी, ये जुगुलर वेन में हम लगा देंगे 18 नंबर की नई नीडिल इंट्रावीनस सेट के साथ में। आराम से लगा दिया दोस्तों, और देखते हैं कौन कौन सा फ्लूइड हम लगाएंगे इसको थोड़ी देर में, देखना। ये देखिए दोस्तों हम लट गाड़ेंगे यहाँ पर ताकि, क्योंकि इसमें 5-6 लीटर लगेगी बोतल फ्लूड, 5-6 लीटर लगेगा तो इसको लगातार कौन आदमी पकड़ के रखेगा, उसका हाथ भी दर्द करेगा। तो इसलिए हम एक लट गाड़ कर उसको लटकाएंगे यहाँ पर लगातार ताकि उसको बांध बांध के बोतल लगा सकें आराम से। तो दोस्तों देखिए हम फ्लूड थेरेपी बहुत ज़रूरी है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में या कॉन्स्टिपेशन हो काफ़ी लंबे समय से, तो फ्लूड थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत सारी फ्लूड थेरेपी के लिए हमने रिंगर सेलेक्टेड और DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और साथ में परगेटिव स्पेशल जो मिश्रण हम बनाते हैं दोस्तों वो आपको आज ज्ञात होगा, आज को आपको पता चलेगा हम किस तरह से देखो फॉर्मूला बनाते हैं। ये लैक्टुलोज है, दैट इज़ ऑस्मोटिक परगेटिव लैक्टुलोज दोस्तों, ये लैक्टुलोज है, 6 कार्बन परमाणु युक्त शर्करा है मोनोसेकेराइड जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाती है इंटेस्टाइन में, पानी को खींचकर मल को सॉफ्ट करती है, फुलाती है वहाँ पर, तो वो आगे बढ़ता है यानी उसको मल को साफ करने में हेल्प करती है। तो एक प्रकार की ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कहें या ऑस्मोटिक परगेटिव है, वो डाला हमने 200 ml। ये लिक्विड पैराफिन देट इज आल्सो ए डंग सॉफ्टनर, ये डंग को लुब्रिकेट करने के काम आती है। ऑयली परगेटिव पैराफिन ऑयल एक ऑयली परगेटिव का उदाहरण है जो डंग को सॉफ्ट करके मल या गोबर को मुलायम कर चिकना करके लुब्रिकेट करके बाहर निकालता है। तो ये हमने डाल दिया, लगभग हम ये डालेंगे इस भैंस में 1.5 लीटर दोस्तों, 1 से 1.5 लीटर तक हम डालते हैं इस तरह के केसेस में।
तो हमने ये लिक्विड पैराफिन डाला है क्योंकि बंद है, इसको कॉन्स्टिपेशन है। ये देखो दूसरी बोतल फिर खोल रहा है हमारा असिस्टेंट विकास कुमार कुलड़िया। ये देखिए अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करते हुए, कभी कभी ढक्कन खुलता नहीं दोस्तों, इसलिए तो गाना आया है ना, ढक्कन खोल दे कलाड़ी मारी बोतल को। तो वो कहते ना एक हमारे राजस्थान में गाना, ढक्कन खोल दे कलाड़ी मारी बोतल को। तो बोतल ये लिक्विड पैराफिन वाली बोतल की बात कर रहा था वो बंदा, कहीं आप दूसरा ना समझें इसको। ये लिक्विड पैराफिन डाल दिया, आराम से डाल रहा है बंदा है ऊँगता हुआ, क्योंकि गर्मियों के दिनों में दोस्तों थोड़ा आलस से वो प्रमाद हावी रहता है बॉडी पे। तो ये हमने एक बड़े से केसरिया रंग के तगारे में पूरे फॉर्मूले को ये मिला रहे हैं। देखिए ये डाला, आपको तगारा दिख रहा होगा, और ये बोतल लगातार चालू है, कंटिन्यूसली इज गोइंग ऑन। ये ड्रिप इंट्रावीनस फ्लूड थेरेपी, इसमें डालेंगे इंट्रावीनस हम माइक्रोटोन इंजेक्शन, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है दोस्तों, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के लिए अभी बोतल में डाल देंगे इसको। इस तरह के केस में दोस्तों मल्टी विटामिन्स लगाने चाहिए हमेशा, गर्मियों का समय है, डिहाइड्रेशन कब्जी इस तरह के केसेस अगर हों तो मल्टी विटामिन्स ज़रूर उसको इंट्रावीनस रूट से देना चाहिए। तो हमने ये देखिए फ्लूड में डाला है 25 ml मल्टी विटामिन, जिसमें विटामिन B1, B6, B12, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, ये सब आ जाने चाहिए। विटामिन ए, D3, ई ये तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, जबकि बाकी बी कॉम्प्लेक्स है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ये हम देखिए ट्रोकर कैनुला जो रूमन पंक्चर निडिल है, 10 नंबर की रूमन पंक्चर निडिल, स्टेनलेस स्टील की ये निडिल, इसे हम मान लीजिए ट्रोकर कैनुला भी कह सकते हैं। तो ट्रोकर कैनुला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जो रूमन से गैस निकालने के काम आता है, या फिर रूमन में कुछ औषधियाँ डालने के काम आता है। मुंह से ये औषधि ले नहीं रही है पशु, और इसको देने का प्रयास किया था तो ये थोड़ा एस्पिरेटरी न्यूमोनिया होने के से ऐसे लग रहा था हमें कि कहीं एस्पिरेटरी न्यूमोनिया न हो जाए, ये उसको निगलने की बजाय ऐसे सांस के साथ लेने का प्रयास कर रही थी। तो हम देखिए डायरेक्ट ही डालेंगे इसके रूमन में इंट्रारूमिनली। ये जो हमने लैक्टुलोज लिक्विड पैराफिन सोडियम पिकोसल्फेट ये भी डाला था हमने, 200 ml सोडियम पिकोसल्फेट, 200 ml लैक्टुलोज, 1.5 लीटर लिक्विड पैराफिन, गर्म पानी में जो घोल बनाया था वो इसी रूमन पंक्चर निडिल के थ्रू ही माध्यम से डायरेक्ट रूमन में हम डालेंगे, डायरेक्ट रूमन में। तो एस्पिरेटरी न्यूमोनिया होने का भी इसमें कोई ख़तरा नहीं है, और साथ में पूरी औषधि इसके रूमन में जाएगी दोस्तों। मुंह से देने में वो गिरा भी देता है पशु, औषधि ख़राब भी हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ये पूरी की पूरी औषधि हम इसके रूमन में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों हम अपने कानों को लगाकर देख रहे हैं कि वायु का प्रेशर कितना है, क्योंकि रूमन में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह गैसें बनती हैं, और साथ में कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से लैक्टिक अम्ल तो बनता ही है। तो हम देखिए एकदम इसको दबा दबा के हम देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये ट्रोकर से इसको साफ करें, कभी कभी जो इंजेस्ट आ जाता है रूमन का फंस जाता है इसके अंदर, तो उसको इसे निकाल के वापस हमें साफ़ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार फ्लूड थेरेपी, उसमें मल्टीविटामिन डाला, फ्लोनिक्सिन, मेगलोमाइन भी हम डालेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों मैंने बताया था फीवर आया था 103.8 के समथिंग आया था डिग्री फॉरेनहाइट, तो बुखार उतर जाए उसके लिए भी हम डालेंगे इसमें, और आपके सामने भी बताएंगे क्या क्या आएगा। जो देखिए अब ये भर भर के हम डाल रहे हैं दोस्तों, 50-50 ml वाली जो सिरिंज है डिस्पो, इसमें भर भर के हम इसी रूमन पंक्चर निडिल, और वो वहाँ बोतल लट लट गड़ा हुआ है भाई साहब, लोग कहते हैं ना खूंटा ही गाड़ दिया इसने, तो लठ ही गाड़ दिया, तो डॉक्टर ने भाई लठ ही गाड़ दिया यहाँ पे। अब लठ ऐसे गाड़ने से नहीं होता भाई साहब, ये अगर ये इसका बंद खुलेगा तब हम लठ गाड़ेंगे, तब ना लठ गाड़ेंगे, तो लठ गाड़ना वो होता है असली में, जब आप जाएँ उम्मीद पर खड़े उतरें, और जिस कारण आपको जिस इलाज के लिए काश्तकार ने बुलाया है वो इलाज अपन कर पाएँ परमात्मा की दया से, तो वो हमें मानता है, नहीं तो भैया देखो चमत्कार को नमस्कार है, नहीं तो फिर ऐसे तो अपन टाइम तो पास कर ही रहे हैं।
तो दोस्तों ये देखिए मार साहब जिनकी भैंस है उन वो लट पकड़ के खड़े हैं और ये हम लगातार विकास कुमार कोलड़िया हमारे असिस्टेंट मार साहब बड़े खुश हैं आज इस लट को पकड़ के, लगता है जीवन में पहली बार लट पकड़ा है इन्होंने ऐसा। तो ये देखिए ये बार बार मांग बरवा बरवा के डायरेक्ट डाले। और देखिए एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड, जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी कम करता है बॉडी पे। और काफ़ी दिनों से जो इंजेस्ट्रा पड़ा रहता है अंदर पुट्रीफाइड होके उधर क्षारीय प्रकृति की गैसें निकलती तो रहती हैं, तो ऐसे केसेस में एसिडिक दवा कोई देते हैं। ये एंटीबायोटिक हम डाल रहे हैं साथ में सेफापेराजोन साल्बेक्टम। धन्यवाद, नमस्कार।